दोस्तों आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट की रिगार्डिंग बहुत ही बड़ा ऑफिशियल अपडेट आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को इंतजार होगा कि रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आखिरकार कब आएगा। पहले बताया जा रहा था कि जनवरी में, फिर फरवरी आई, अब मार्च आ चुका है दोस्तों, रिजल्ट कब आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियली जो है नोटिस जारी कर दिया है कि इस दिन आपका जो है रिजल्ट आएगा। बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ बताऊंगा दोस्तों क्या यहाँ पर ओवरऑल एवरेज कट ऑफ रह सकती है, साथ ही साथ आपका फिजिकल में क्या होने वाला है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये नोटिस है और ये आपको आरआरबी सिकंदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। यहां पर दोस्तों उन्होंने कहा हुआ है कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर पीईटी यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट अगेंस्ट सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नंबर 02/2018 पोस्ट इन लेवल 1 शैल बी पब्लिश्ड ऑन 4/3/2019। यानी इन्होंने कहा दोस्तों कि आपका जो रिजल्ट है 4/3/2019 को आ जाएगा, यानी महाशिवरात्रि के दिन आपका जो है रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। टाइम यहां पर दोस्तों ऑफिशियली नहीं बताया है, लेकिन 4 को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो यहां पर बहुत ही बड़ी यह खुशखबरी है दोस्तों आप सभी के लिए जिनको इंतजार था रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट से रिगार्डिंग, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बड़ी भर्ती और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैंडिडेट्स का इंतजार कर रहे थे। तो आपका इंतजार यहाँ पर अब जो है खत्म होता नजर आ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिकल की, तो फिजिकल में आपका क्या क्या होगा। तो फिजिकल की बात करें तो दोस्तों जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको जो है 35 किलो वजन जो है लेकर चलना होगा 100 मीटर तक 2 मिनट में, यानी 100 मीटर तक 35 किलो वजन अपने साथ लेकर चलना होगा 2 मिनट में, और एक चांस में विदाउट जो आपका वेट है उसे गिराए। यहाँ पर रनिंग भी होगी दोस्तों आपकी 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर आपकी रनिंग होगी 4 मिनट में या फिर 4 मिनट 15 सेकंड में। तो इस प्रकार है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 20 किलो का वेट लेकर चलना होगा डिस्टेंस 100 मीटर 2 मिनट में। तो यहाँ पर उनको जो है वेट आधा ही कर दिया है लगभग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कोई भी चांस नहीं मिलेगा, यानी एक ही चांस आपको मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रनिंग भी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है 5 मिनट 40 सेकंड में 1 किलोमीटर की। तो ये फिजिकल है दोस्तों, आप जो है रिजल्ट आते ही इसकी तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप जो है नॉर्मली अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ही जो है बेटर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ओवरऑल कट ऑफ, यानी जोन वाइज कट ऑफ मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, मैं आपको एक ओवरऑल एवरेज कट ऑफ यहां पर बताने जा रहा हूं। तो जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद 55 से 60 के बीच बन रहे हैं, तो वो आपको डेफिनेटली अपने आप को जो है सेफ जोन में मान सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों कोई अभी तक जो है ऑफिशियल कट ऑफ जो है 4 तारीख को ही पता चलेगी। जैसे ही कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है हम आपको जो है नोटिफिकेशन दे देंगे वीडियो के माध्यम से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटे का आइकन भी दबा सकते हैं, ताकि जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपकी कितना स्कोर है, कितना जो है आपके अकॉर्डिंग जो है आपके मार्क्स आ सकते हैं। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।